बाहा क्षेत्र के तीर्थ धाम बटेश्वर में लगने वाले पशु मेले का अपना अलग ही आकर्षण होता है। भगवान शिव के नामों में से एक नाम यानी पशुपति इस मेले का प्रतीक है। दुनिया कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन मेलों का अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। मेला एक ऐसी जगह है जहाँ छोटे से लेकर बड़े बड़े घरेलू आइटम आसानी से मिल जाते हैं। उत्तर भारत में लगने वाले पशु मेले में भारी संख्या में खरीदारी करने के लिए पशु व्यापारी पहुँचते हैं। लाखों रुपए की कीमत के घोड़े इस मेले की शान होते हैं, लेकिन इस बार मेले में अव्यवस्थाओं का अंबार दिखाई दिया। व्यापारियों का आरोप है कि इस बार मेले में ज्यादा व्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापारियों ने सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब से आए पशु व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पशु मेले का उद्घाटन पूर्ण रूप से 21 नवंबर को किया जाएगा। फिलहाल मेले के औपचारिक उद्घाटन के बाद पशु मेले का उद्घाटन पूर्ण रूप से 21 नवंबर को किया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप पानी लेने जाते हैं और वहाँ जानवर अकेला अगर कहीं चला जाता है तो फिर इसका कौन जिम्मेदार हो, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है। सैलरी नहीं है। 6 पैसे? कितने बच्चे ले आए हैं? 2-3 बच्चे, 2 बच्चे 1 बच्चा है। अच्छा, इसकी क्या उम्र है? इसकी 18 महीने। 18 महीने। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 62। इसका कोई नाम वाम भी है? नाम वाम भी रखा है? राधा। राधा। कौन सी नस्ल है इसकी? मारवाड़ी है। तो क्या समस्या है? गेट पर समस्या है, पानी वाली भी बहुत दिक्कत करती है। पानी आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? हम दूर से लेके आ रहे हैं, 1/2 किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर दूर से? तो आप कहाँ से आए हैं? आगरा। आगरा से मेले में आए? क्या जानवर लेके आए हैं आप? जानवर लेके नहीं आए थे, जानवर खरीदे। अच्छा, खरीदने आए हैं? खरीदने आए, व्यापारी हैं आप? तो व्यवस्था है मेले की, जो व्यवस्था है जिला पंचायत की, क्या व्यवस्था है? उनका कुछ व्यवस्था नहीं है। तो इससे यानी व्यापारी को बहुत परेशानियाँ होंगी? बहुत परेशानी होती है पानी के लिए, हम लोग भी पानी पीने नहीं जाते। क्या जिला पंचायत किसी अधिकारी से आपने शिकायत की है इस मामले में? करते हैं, वो उन्होंने मेले के अंदर कोई नहीं आएगा, उन्होंने भगा दिया था, मेले से बाहर भगा दिया था, फिर दोबारा उसने जानवर बांध दिया। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।